नमस्ते दोस्तों, मॉर्निंग डोसे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्रिस्पी स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप घर पर बहुत आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो लगाकर तैयार कर लेना होगा। यहाँ हमने एक मिक्सिंग बॉल लिया है, इसमें एक कप आटा ले लिया है। आप चाहें तो मैदा का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मैदा से स्प्रिंग रोल बना रहे हैं तो यहाँ पर आप एक कप मैदा ले लें। तो यहाँ पे मैंने एक कप आटा ले लिया है। अब इसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार आप नमक ले लें, एक छोटा चम्मच तेल। अब सभी को अच्छे से मिला लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसे हम गूंथ के तैयार कर लेंगे। आटा को बिल्कुल हमें चपाती की तरह ही हमें डो लगाकर तैयार कर लेना है। इसे सख्त बिल्कुल नहीं डो लगाना है, इसे हमें बिल्कुल चपाती की तरह ही डो लगाकर तैयार कर लेना है। अब इसमें एक चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। लीजिए, हमारा सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे और इसे हम रेस्ट होने देंगे। जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए कढ़ाई को गर्म करें, उसमें 2 छोटा चम्मच तेल डालें, 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक या आप पिसा हुआ अदरक का भी यूज कर सकते हैं, तो 1 चम्मच अदरक हल्का से इसे भुने। अब इसमें सब्जियां डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप आलू लिया है, 1/2 कप गाजर। सारे सब्जियों को लंबा लंबा और पतला पतला काट के इसमें डालें। अब सारी सब्जियों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 मिनट के लिए भूनेंगे। इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना, बिल्कुल हल्का कुक करना है। और अब इसमें 1/2 कप शिमला मिर्च, जो सब्जियां आपको पसंद है वो इसमें आप ले सकते हैं और जो नहीं पसंद है उसे आप हटा सकते हैं। अब हम इसमें मसाला डाल लेते हैं, 1/2 चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 कप पत्ता गोभी, अगर आपको पत्ता गोभी नहीं पसंद हो तो ना डालें। अब इसे अच्छे से मिला लें। अब इसमें फ्लेवर के लिए हमने यहाँ डाला है 1/2 चम्मच सोया सॉस, 1/2 छोटी चम्मच विनेगर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो दें चाहे तो ना दें। 1 छोटी चम्मच टोमेटो सॉस। अब इन सभी को मिला लें।
सॉस देने का पर्पस ये है कि इन सभी सॉस के देने से स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब इन सभी को मिला लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं और स्टफिंग हमारा तैयार हो गया है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। हमारा आटा सेट हो गया है, इसे एक बार फिर से हम मिला लेते हैं। हाथ में एक छोटा थोड़ा सा तेल लेकर हम आटा को अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिला लेने के बाद अब इसका हम छोटा छोटा लोई तोड़ लेंगे। पहले आटा को आधा कर लें, उसके बाद इसके छोटे छोटे लोई बनाकर तैयार कर लें। लीजिए, मैंने तो सारा लोई बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे। एक छोटा सा लोई लेंगे, इसे सूखे आटे में डिप करके 3 से 4 इंच के व्यास में पूरी बेल लेंगे। इसे हम चारों तरफ से एक जैसा बेलकर तैयार करना है। देखिए, कुछ इस तरह से हमें बेलकर तैयार करना है। अब इसे एक प्लेट में रख लें और बिल्कुल इसी तरह इसी साइज का सारे लोई को बेलकर तैयार कर लेंगे। लीजिए, मैंने सभी को बेलकर तैयार कर लिया है। अब सभी को बेलने के बाद हम एक पूरी लेंगे, इसके ऊपर चारों तरफ तेल लगाएंगे, फिर सूखा आटा लगाएंगे, फिर इसके ऊपर दूसरा पूरी रखेंगे और ठीक इसी प्रोसेस से इसके ऊपर भी तेल लगाएंगे, फिर सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसके ऊपर तीसरा पूरी रखेंगे और थोड़ा हाथ से दबा देंगे। इसके ऊपर सूखा आटा लगा दें क्योंकि हमें इसे बेलना है। अब इसे हमें पतला बेलना है। जब भी चिपके तो सूखा आटा डाल दें। देखिए, बिल्कुल इस तरह से पतला बेलकर तैयार करेंगे। अब चलिए इस पूरी को हल्का गरम तवा पर डालेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, बिल्कुल हल्का सेकना है। जब हल्का कलर चेंज हो जाए तो इसे हम पलट के दूसरी तरफ भी हल्का सेकेंगे। देखिए, दोनों तरफ हल्का सिक गया है। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसके परतों को खोलेंगे। हमने यहाँ 3 पूरी लगाई थी तो हमें 3 परत मिल जाएंगे, बड़ी आसानी से खुल जाते हैं और रैपर बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए कितना पतला बना है यह रैपर। अब इसी तरह से सारी रैपर बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड, अब हम रोल बनाना शुरू करते हैं। रोल बनाने से पहले एक कटोरी में 2 चम्मच आटा डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसका लेप बनाकर तैयार कर लें। अब हम एक रैपर को लेंगे और उसमें अब स्टफिंग को हम डालेंगे। स्टफिंग को सेंटर में ना डालें, थोड़ा सा साइड में डालें। डालकर इसे नीचे से पहले फोल्ड करें, फिर साइड से फोल्ड करें, उसके बाद इसे राउंड करें और ऊपर में लई लगा के अच्छे से चिपका दें, जिससे हमारा फ्राई करते वक्त यह खुले नहीं। लीजिए, हमारा एक रोल बनकर तैयार हो गया है। इसे अब प्लेट में रख लें और इसी तरह से मैं सभी रैपर का रोल बनाकर तैयार कर लेती हूँ। लीजिए, मैंने सभी को रोल बना के तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे हम
फ्राई करना शुरू करते हैं। पैन में तेल डाल के गरम करें। हमें डीप फ्राई नहीं करना है, हमें शैलो फ्राई करना है, इसलिए इसमें थोड़ा कम तेल डालें। तेल को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर गरम करना है। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें मैं एक एक करके पैन में डालते जा रही हूँ। जब जितना आपका पैन में आ सके उतना ही डालें। जब यह एक तरफ अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसे आप दूसरी तरफ पलट दें। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। हमारा क्रिस्पी वेज रोल बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसे अब मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं सभी को फ्राई करके तैयार कर लेती हूँ। जी फ्रेंड, हमारा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गया है। इसे आपको मैं काट के दिखाती हूँ। देखिए इसका स्टफिंग कितना अच्छा से बनकर तैयार हुआ है। लीजिए दोस्तों, हमारा क्रिस्पी वेज रोल बनकर तैयार हो गया है। इसे आप चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।